भारती जी, आपके जीवन में कुछ कुछ मुश्किलें तो आई होंगी और आलोचनाएं भी हुई होंगी, आपने उनका सामना कैसे किया? हाँ, मेरे जीवन में आलोचनाएं भी हुई और ये चैलेंजेस भी आई, लेकिन मैंने उन्हें डट कर सामना किया। और एक मेरी फ्रेंड ने मुझे मुझसे शर्त लगाई कि तुम फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाओगी, लेकिन मैंने भी सोच लिया कि इस चैलेंज को मुझे स्वीकार करना है, क्योंकि वो तो तीन तीन ट्यूशंस पढ़ रही थी और मैं ट्यूशंस पढ़ नहीं रही थी, मैं खुद से पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने भी खूब मेहनत से पढ़ाई की और एक मेरे अंकल थे, उनसे जाकर सप्ताह में एक बार अपने सवालों का हल पूछ लेती थी। इस तरह से मैंने फर्स्ट डिवीजन तो लाई ही और मेरी फ्रेंड से 100 नंबर अधिक ले आई, जिससे ये पता चला कि मैं अपने जीवन में हर चैलेंज को स्वीकार कर सकूंगी और आगे बढ़ सकूंगी। बिल्कुल, जीवन में कभी कभी ऐसे नींबू पड़ने चाहिए ताकि आप उससे नींबू पानी बना पाए और आगे बढ़ पाए, है ना, क्योंकि उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सही। तो उसी तरह से आपके ऊपर इस अभी बिजनेस के बारे में भी सवाल उठाया गया, आपके परिवार वाले पूछे होंगे कि आपसे ना हो पाएगा, तो इसके ऊपर आपका क्या हाँ सोच है? हाँ मेरे परिवार में इसका विरोध तो हुआ, लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम कहना है और मेरा करना है। बहुत सही।